हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ठीक है, रिकॉर्डिंग हो रहा है अभी। स्माइल आप शुरू कर सकते हैं, और क्लास स्टार्ट ठीक करने है से पहले सबको ही स्माइल के स्क्रीन को पिन कर दीजिए, और कोई स्क्रीन शेयर मत कीजिए करना। और किसी को कोई डाउट होगा तो आप ये अनम्यूट करके बोल सकते हैं, ठीक है? चलिए, और वरना चैट में भी मैसेज कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू। मेरा स्क्रीन सबने पिंक कर लिया। यस मैम। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग ना एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। याद है हम लोग कुछ मॉड्यूल्स के बारे में सोच रहे थे कि हम लोगों ने डेट एंड टाइम कैलेंडर मॉड्यूल वगैरह यूज करके देखे थे, है ना? तो मैं क्या सोच रही हूँ, हम पहले आज अपना खुद का मॉड्यूल बनाएं और उसको यूज़ करें। इससे क्या होगा, हमें क्लैरिटी मिल जाएगी कि हम मॉड्यूल कैसे बनाते हैं और मॉड्यूल कैसे चलता है। चलेगा? पहले कुछ टाइम के लिए एक नया मॉड्यूल बनाते हैं, ठीक है? तो वो देखो, पता है जो मॉड्यूल होता है, मॉड्यूल बनाना ऐसा नहीं है कि मॉड्यूल ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने कुछ भी बड़ा सारा लिख दिया और मॉड्यूल बन गया। या मॉड्यूल बनाना ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल है। मॉड्यूल या पैकेज, पता क्या होता है, बस एक होता है, किसी दूसरे इंसान ने कोड लिखा है और हम उसका कोड यूज कर रहे हैं। इसमें एक रियल टाइम मॉड्यूल दिखाती हूँ। जैसे मॉड्यूल है, पहले ढूंढना। देखो एक चीज है, पाइथन में बहुत सारे मॉड्यूल्स अवेलेबल हैं, ठीक है? हम लोगों को मॉड्यूल्स को रटना नहीं है, ना ही पैकेजेस को रटना है। अगर जैसे हम लोग एक रैंडम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, ठीक है? रैंडम मॉड्यूल किसके लिए यूज किया जाता है? वो इसके लिए यूज किया जाता है जब हम लोग रैंडमली एक एरे में से कोई रैंडम नंबर चूज करना हो, तो हम लोग रैंडम मॉड्यूल पाइथन का यूज करते हैं। पता क्या करेंगे, हम लोग गूगल में लिखेंगे रैंडम मॉड्यूल पाइथन, और इसमें ना हम लोग देखेंगे ऊपर वाला लिंक होता है ना, जैसे docs.python.org, हम उसको खोलेंगे, ठीक है? और ये अपने आप, इसने बहुत सारी चीजें दी हुई हैं, जैसे ऐसा कोई फंक्शन है रैंड रेंज, ठीक है, चॉइस। तो ये सब हमें याद नहीं करना है, बस हमें ये पता होना चाहिए कि हम एक डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ेंगे कैसे, ठीक है? ये सिर्फ याद रटना नहीं है, सिर्फ याद रख देखना है कि अगर हमें कोई वो चाहिए, मॉड्यूल चाहिए, हम क्या करेंगे, हम गूगल में जाएंगे, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, मॉड्यूल टू प्ले सॉन्ग्स इन पाइथन। मेरे को गाना बजाने के लिए कोई मॉड्यूल चाहिए, मैं सिंपली टाइप कर दूंगी। ये देखो हमें ऑलरेडी एक मॉड्यूल मिल गया, उसने उसने बोल दिया कि ये देखो प्ले साउंड करके एक मॉड्यूल है, ठीक है? तो मैं इसको इंपोर्ट कर दूंगी, इसके बारे में पढ़ लूंगी और मैं इसको यूज कर लूंगी, ठीक है? बस कहने का ये मतलब है, रटना नहीं है कि ऐसे 100 200 बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं, रोज कोई ना कोई नए मॉड्यूल्स आते हैं। तो हम लोग सिंपली सर्च कर सकते हैं मॉड्यूल को और फिर उसके बारे में हम पढ़ सकते हैं और पढ़ के यूज कर सकते हैं, ठीक है? तो ये मॉड्यूल को पढ़ना कैसे है, इसके लिए क्या करते हैं, हम लोग अपना खुद का एक मॉड्यूल बना के देखते हैं। तो आज हम क्या करेंगे, पहले एक मॉड्यूल बनाएंगे, जो क्या होगा, कैलकुलेशन नाम देंगे उस मॉड्यूल को, ठीक है? या कोई भी मॉड्यूल, जैसे डेमो मॉड्यूल दे दे, ठीक है? एक डेमो, एक मॉड्यूल बनाएंगे जिसका नाम होगा डेमो, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, 5 फंक्शंस बनाएंगे, एड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिविजन और ये पावर वाला, ठीक है? तो हम क्या करेंगे, तो अच्छा पहले मॉड्यूल का नाम, जो मॉड्यूल का नाम देना होता है ना, वो हमारी फाइल का नाम होता है। जैसे यहाँ पे एक फाइल है, मैं नया ही बनाती हूँ, क्रिएट, मैं पाइथन के मॉड्यूल का नाम क्या दूँ, कैलकुलेशन।
कैलकुलेशन दे रही, ठीक है, मैंने कैलकुलेशन नाम करके एक फाइल बना ली। अभी मैं क्या करूंगी, मैंने एक नया फाइल बनाया कैलकुलेशन। अभी इसका मतलब है कि जो मेरा पैकेज है ना, पैकेज का नाम क्या होगा, कैलकुलेशन। फिर पैकेज के अंदर कैसे लिखना है, मैंने डिफाइन किया जैसे हम लोग नॉर्मली फंक्शन बनाते हैं, मैंने ऐड का फंक्शन बना दिया, ठीक है। क्या लिख सकते हैं मैं, एक्स कॉमा वाई, अगर मेरे को डॉक स्ट्रिंग लिखनी है क्या करूंगी, इट इज अ फंक्शन टू ऐड टू नंबर्स, ठीक है। इसके बाद मैं क्या करूंगी, रिटर्न कर दो मुझे एक्स प्लस वाई। सिमिलरली मैं क्या करूंगी, मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ इस फाइल में सिर्फ फंक्शंस होंगे जो हमने बनाए हैं। जैसे मेरी एक ये कैलकुलेशन वाले मॉड्यूल में मैंने चार फंक्शन बनाए, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड, ठीक है। इसमें किसी को डाउट है? नो मैम। ओके, मैं दोबारा बताती हूँ हम लोग क्या कर रहे हैं। हम लोग जब हम लोग इम्पोर्ट मॉड्यूल करते होते हैं ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग अपना खुद का मॉड्यूल बना रहे हैं। मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल सिर्फ एक कोड होता है जो किसी और इंसान ने लिखा होता है और हम उस कोड को यूज कर रहे होते हैं अपने हिसाब से, ठीक है। और दूसरी चीज़ है, मॉड्यूल को कभी रटना नहीं चाहिए या पैकेज को कभी रटना नहीं चाहिए कि हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 100-200 ही पैकेजेस हैं, रोज हर रोज कोई ना कोई नया पैकेज बना देता है। सबसे आसान तरीका होता है पैकेज के बारे में या मॉड्यूल के बारे में पढ़ने का, सर्च करना python.docs.org, इसको सर्च करो, जो मॉड्यूल के बारे में जिसके ऊपर आपको काम करना है वो देखो और दैट्स इट, ठीक है। अभी मैं क्या करती हूँ, मैंने अपना एक खुद का ये पैकेज बना लिया। मैंने क्या किया, इस पैकेज में चार फंक्शन डाले, ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अभी मैं क्या करूंगी, तो अभी मेरे को पाइथन मॉड्यूल को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कि पहले मैंने ये सेव कर लिया है। अभी मैं चाहती हूँ मैं कैलकुलेशन वाला प्रोजेक्ट मॉड्यूल इंपोर्ट करूँ। मैं सिंपली बोलूंगी इंपोर्ट कैलकुलेशन, मैं क्या करती हूँ, मैं इसको रन कर लेती हूँ।
ठीक है, अभी मैं क्या कर रही, मैं प्रिंट कर रही, अभी उसमें मेरे को पता है कि तीन फंक्शन है, ऐड वाला, ऐड वाला फंक्शन है कोई, ठीक है, मैं क्या करूंगी कैलकुलेशन डॉट ऐड, फिर एक्स कॉमा, क्या दो नंबर्स को ऐड करना है, जो निकल गया, रन कर रही, देखो आंसर 25 ऑटोमेटिकली आ गया, मैंने यहाँ पे ऐड वाला फंक्शन नहीं डाला है, ये डॉट ऐड कहाँ था, इसमें था, मैंने इसका यूज किया है, समझ में आया मॉड्यूल कैसे काम करता है। बेसिकली मॉड्यूल में क्या होता है, मॉड्यूल में बस ऐसे ही जैसे मैंने चार फंक्शन लिखे हैं, ऐसे ही बहुत सारे फंक्शन लिखे होते हैं, और हम ऐसे ही मॉड्यूल को इम्पोर्ट करते हैं, जैसे मैंने किया इम्पोर्ट कैलकुलेशन, फिर मैं क्या करूंगी प्रिंट कैलकुलेशन डॉट ऐड फिर 10, 15, ठीक है, मैं सिंपली अभी बाकी ऑपरेशन भी कर लेते हैं, प्रिंट कैलकुलेशन डॉट क्या था इसमें नाम, किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, अभी समझ में आया ये मॉड्यूल्स चलते कैसे हैं, हम इन बेसिक कॉन्सेप्ट मॉड्यूल्स का, यस मैम, मेरी आवाज सबके लिए ब्रेक हो रही है, नो मैम, ओके, नो मैम, ओके, दोबारा समझाती हूँ मैं, मैंने क्या किया, हम लोग मॉड्यूल्स के बारे में कोशिश कर रहे थे, है ना, हमने टाइम मॉड्यूल यूज करके देखा था, हमने क्या कैलेंडर मॉड्यूल यूज करके देखा था, हमने रैंडम मॉड्यूल यूज किया, हमने और कौन सा किया था, हाँ बस यही कर रहे थे। तो मॉड्यूल कैसे चलता है, मॉड्यूल पहली बार मॉड्यूल क्या होती है, मॉड्यूल किसी दूसरे डेवलपर का ने क्या लिखा होता है, उसने कुछ फंक्शंस लिखे होते हैं, हम उन फंक्शंस को यूज करना अपने प्रोग्राम में, वो होता है मॉड्यूल, ठीक है। मॉड्यूल को इंपोर्ट कैसे करते हैं, सिंपली लिखेंगे इम्पोर्ट और फिर लिखेंगे मॉड्यूल का नाम, उसके बाद हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग अपने खुद का एक मॉड्यूल बनाने की कोशिश कर रहे थे। हमने खुद का मॉड्यूल बनाया क्यों, क्योंकि हम समझना चाहते थे कि ये मॉड्यूल का जो लॉजिक है वो चलता कैसे, ठीक है, तो मॉड्यूल कैसे बनता है, अगर हमें लोकली अपने लिए कोई मॉड्यूल बनाना हो, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक नया पाइथन फाइल लिखेंगे, वही मॉड्यूल डॉट क्या, मॉड्यूल का नाम, जो भी आपको मॉड्यूल का नाम लिखना है, जैसे मैंने रखा था कैलकुलेशन, हमने एक ऐसा मॉड्यूल बनाया जिसमें क्या है, उसमें चार फंक्शन थे, एक एडिशन, एक सब्ट्रैक्शन, एक मल्टीप्लिकेशन और एक डिवाइड, ठीक है, तो वो चार फंक्शन थे, तो उन चार फंक्शंस में क्या हो रहा था, हम लोग ने उस चार फंक्शन को रख के एक फाइल, एक मॉड्यूल में डाल दिया जिसका नाम था कैलकुलेशन, ठीक है। मैंने चार फंक्शन कैसे लिखे थे, जस्ट रंजना एक मिनट, आती हूँ आपकी बात पे भी, तो उसके बाद क्या होता है, हाँ तो मैंने मॉड्यूल लिखे थे हमने, मैम आप नहीं दिख रही है, मैं कुछ दिखा नहीं रही, ओके मैम, हाँ तो मैंने क्या किया, यहाँ पे चार मॉड्यूल थे, उस एक सॉरी एक कैलकुलेशन था, ऐड सबट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड,
ठीक है, तो ये चार क्या थे, चार मॉड्यूल थे अपने पास, मॉड्यूल में फंक्शन थे। तो फिर हमने क्या किया, एक ऐसा मॉड्यूल लिखा। तो फंक्शन कैसे लिखते हैं, जैसे हम नॉर्मली फंक्शन लिखते हैं ना, एड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड का, तो वैसे हमने चार फंक्शन लिखे। और फिर मैंने इसको कैलकुलेशन डॉट पी वाई नाम पे सेव कर लिया। फिर ये क्या है, अगर आप ये सोच रहे हो है ना, एड के नीचे ये क्या लिखा है ट्रिपल कॉमास में, तो ये चीज है डॉक स्ट्रिंग। याद है जब हम फंक्शंस पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था कि हम लोग, अगर हमें जानना हो कि फंक्शन क्या है, फंक्शन के बारे में डिस्क्रिप्शन लिखनी है, तो हम डॉक स्ट्रिंग यूज करते हैं। तो जब हम फंक्शन को चाहते हैं कि उसकी डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, हम फंक्शन के डिस्क्रिप्शन जनरली ये तीन कोट्स लगा के लिखते हैं। जब हमारा फंक्शन चालू होता है उसके ठीक, उसके ठीक बाद क्या हो रहा है, उसके ठीक बाद हम लोग डॉक स्ट्रिंग लिखते हैं। ठीक है, एक चीज ये हो गई। और फिर यूज कैसे करना है, वही सिंपली जैसे हम पहले करते थे, इंपोर्ट, और मैंने क्या इंपोर्ट किया, कैलकुलेशन। जैसे ये नाम था कैलकुलेशन, तो मैंने वही नाम इंपोर्ट कर दिया। फिर हम आगे क्या करते थे, जैसे डेट टाइम याद करो, डेट टाइम डॉट नाउ करते थे, तो उनका प्रोग्राम कुछ ऐसा बना हुआ। मेरा प्रोग्राम कैसे बना हुआ था, मैंने लिखा है कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के अंदर जाना और वो क्या है, ऐड, ऐड पे क्लिक कर देना और नंबर्स दे दिए मैंने और उसने आउटपुट दे दिया मेरे को। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, रंजना जो हम मॉड्यूल गूगल से डायरेक्ट लेते हैं वो इम्पोर्ट कर सकते हैं? नहीं, हम डायरेक्ट इम्पोर्ट नहीं कर सकते हैं। बहुत कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जो कि हम लोग डायरेक्ट गूगल से उठाएंगे और यूज कर सकते हैं, जैसे एक रैंडम हो गया, या क्या हो गया, रैंडम दिस मैथ वाला हो गया, डेट टाइम हो गया, कैलेंडर हो गया, या कुछ ऐसे मॉड्यूल हैं जो सिर्फ इनबिल्ट आपके आईडी में है। अगर हम गूगल से कोई और मॉड्यूल ले रहे हैं ना, तो हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। हम टर्मिनल में जाएंगे और वहां पे लिखेंगे pip install उसका नाम। जैसे एक मॉड्यूल है, बहुत अच्छा मॉड्यूल है, डेटा साइंस जिसको पसंद है, या डेटा के साथ खेलना जिसको पसंद है, बहुत अच्छे, उस मॉड्यूल का नाम है पांडा। अगर उस पांडा को किसी को अपने कंप्यूटर में डालना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, टर्मिनल में जाके पहले pip install पांडा करना पड़ेगा, तभी वो चलेगा। डायरेक्टली नहीं यूज कर सकते, डायरेक्टली हम वही मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमारे जैसे कोड एडिटर में, जैसे ये हो गया, जैसे मैं आज पाइचाम यूज कर रही थी, जो आप मॉड्यूल जैसे अपने मोबाइल पे जो आप यूज करते हो, या कोई लोग वीएस कोड या स्पाइडर यूज करते हैं, जो स्पाइडर में ऑलरेडी डाउनलोडेड होते हैं ना, बस वही मॉड्यूल्स चल सकते हैं, बाकी नहीं चलेंगे। बाकियों को आपको डाउन इंस्टॉल करना पड़ेगा, वही पिप इंस्टॉल लिख के। ठीक है मैम, फ्लास्क भी तो एक पिप ही है ना, पिप नहीं, फ्लास्क हम लोग लिखते हैं। फ्लास्क मॉड्यूल नहीं है, फ्लास्क फ्रेमवर्क है। अगर हमें पाइथन को यूज करके एक वेबसाइट बनानी होती है ना, तो हम लोग फ्लास्क यूज करते हैं, फ्लास्क मॉड्यूल नहीं है। ठीक है, ओके मैम। ओके, हो क्या, अच्छा हम लोग एक चीज करते हैं, उसके बाद ओके हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। उस दिन मैं बोल रही थी ना, हम डेट टाइम को डिस्कस कर लेंगे, तो हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन है, राइट अ पाइथन स्क्रिप्ट टू डिस्प्ले वेरियस डेट टाइम फॉर्मेट्स। ठीक है, जैसे करंट डेट और करंट टाइम डिस्प्ले करना है, करंट ईयर करना है, मंथ ऑफ द ईयर करना है, वीक नंबर ऑफ द ईयर डिस्प्ले करना है, वीक डे ऑफ द वीक डिस्प्ले करना है, डे
ऑफ ईयर डिस्प्ले करना है, डे ऑफ मंथ डिस्प्ले करना है एंड डे ऑफ वीक डिस्प्ले करना है. ठीक है, इसको हम लोग पता किससे करेंगे, इस वाले को हम लोग जो हमारा डेट एंड टाइम वाला मॉड्यूल है ना, हम उसको यूज करके करेंगे. ठीक है, इससे क्या होगा, मैंने कुछ 7-8 फंक्शंस लिखे थे जो हम लोग जनरली डेट एंड टाइम मॉड्यूल के यूज करते हैं, तो आज हम वो देखते हैं. ओके, तो हम लोग मैम आपकी वॉइस बहुत ब्रेक हो रही है. मैम नहीं ज्योति दी आ रही है आवाज. ओके, अगर आवाज आ रही है तो ठीक है, नहीं तो अगर नहीं आई, सबको नहीं आवाज आई ना, तो बता देना, आई विल स्विच माय इंटरनेट. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये पाइथन के जितने भी ये डेट एंड टाइम मॉड्यूल था ना, तो मैंने क्या किया, उस मॉड्यूल के जो कुछ फंक्शंस थे जो बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, मैंने वो लिस्ट डाउन करें. ठीक है, मैं बताते जाती हूँ. हम लोगों को अगर करंट टाइम एंड डेट निकालना हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं. इंपोर्ट, हमारे का नाम है टाइम, फिर इंपोर्ट डेट टाइम. मैंने दो मॉड्यूल इंपोर्ट करे. मैं क्या करती हूँ, अभी प्रिंट करती हूँ. पहले देखो करंट डेट प्रिंट करनी है, मैं क्या कर रही हूँ, करंट डेट एंड टाइम को प्रिंट करने के लिए हमारे पास कौन सा मॉड्यूल था और कौन सा फंक्शन का नाम क्या है, किसी को याद है? हम लोग का जो एक हमारे पास फंक्शन होता था ना, डेट टाइम डॉट डेट टाइम नाउ डॉट नाउ, हाँ तो ये हो गया फंक्शन. ठीक है, अगर सिर्फ डेट टाइम का ईयर प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे, ओके अगर हमें क्या करना है अभी, ये तो सिंपल है, अगर करंट ईयर प्रिंट करना है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, मैं क्या करती हूँ, प्रिंट करंट ईयर. ठीक है, डेट टाइम डॉट डेट टाइम के अंदर, ठीक है, एक डॉट हम लोग क्या करते हैं, मैं साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन दिखाती हूँ, ऐसे तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे इसमें. जैसे करंट ईयर प्रिंट करने का तरीका क्या होता है, डेट टाइम उठाया मैंने, डेट उठाई, फिर मैंने क्या किया, अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैंने क्या किया, आज की डेट उठाती हूँ मैं. ठीक है, मैंने आज की डेट उठाई और उसमें एक और फंक्शन होता है, इसमें एस टी आर बोलते हैं, एस टी आर एफ टाइम. इससे क्या होता है, मैं ये समझो, फिर मैं डॉक्यूमेंटेशन दिखाती हूँ. तो मैंने क्या किया, करंट ईयर प्रिंट करने के लिए मैंने क्या किया, जैसे ये था ना आज का अभी का टाइम डेट निकालने के लिए हम करते थे डेट टाइम डॉट नाउ. तो करंट ईयर निकालने के लिए बहुत तरीके हो सकते हैं. एक तरीका मैंने क्या किया, डेट टाइम के, डेट टाइम के अंदर एक पैकेज था मेरा, एक था और फंक्शन था, उसका नाम था डेट. ठीक है, तो फिर उसके बाद मैंने आज की डेट निकाली और फिर उसके मैं क्या किया, ये स्ट्रिंग एफ प्राइम, ये स्ट्रिंग फंक्शन है, इसके बाद यही टॉपिक देखेंगे हम लोग. तो मैंने क्या किया, सिर्फ उसका वाई पार्ट निकाल दिया, ये वाई पार्ट, इस वाई का मतलब होता है ईयर. अगर हमें मंथ प्रिंट करना होता है तो हम बी लिखते हैं और डेट प्रिंट करने के लिए हम डी लिखते हैं. ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, मैंने क्या किया, सिंपली करंट ईयर, फिर डेट टाइम डॉट डेट डॉट टूडे, देन एस टी आर एफ टाइम, दिस इज, ठीक है, फिर मैंने वाई लिख दिया, वाई का मतलब था ईयर. इसको ना वो भी कहते हैं, टॉपिक का नाम होता है ये, एफ स्ट्रिंग्स का टॉपिक है,
ये ऐसा, ये ऑटोमेटिकली जब जिसने वो मॉड्यूल बनाया था ना, तो उसने कुछ स्ट्रिंग करके डाल दिया था, तो जिस वजह से हम ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। एक बार चला के दिखाती हूँ। ओके यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक है, कैसे करना है, जैसे पता कैसे लगेगा मैंने क्या दिस टाइम। तो एक बार ये पढ़ के देखना, इसमें मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, बहुत लंबी है तो इसको पढ़ के देखना, तो मिल जाएंगी। इसी जैसे देखो, ये लिखा क्लास डेट डॉट फ्रॉम टाइम स्टैम्प, ऐसे ऐसे पढ़ोगे तो आपको मिल जाएंगी चीजें। ठीक है, मैंने कुछ जो बेसिक चीजें पूछते हैं मैंने उनको अलग ढूंढ के खुद से फंक्शन बना के रखे हैं। ठीक है, कैसे ढूंढोगे, सिंपली ये क्या करोगे, डॉक्स जाओगे और सर्च करोगे कि डेट टाइम के रिलेटेड जितने भी डॉक्स हैं। ठीक है, चल ये समझ में आया कैसे ढूंढना है फंक्शन को? गाइस मैं आगे चलूं, रन हो गया? हाँ रन हो जाएगा। ओके, फिर आगे हम बना के देखते हैं। उसके बाद क्या बोल रहा है कि मंथ ऑफ द ईयर कैसे प्रिंट करेंगे। तो सिंपली क्या करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे वाई लिखा था ना, मंथ करंट मंथ को प्रिंट करने के लिए हम सिंपली लिख सकते हैं इसको हम बी लिख देंगे। ठीक है, बी से पता क्या होगा, ईयर को रिप्रेजेंट करने के लिए इस लाइब्रेरी में हम वाई यूज करते हैं, मंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डब्ल्यू यूज करते बी यूज करते हैं। ठीक है, अभी मैं करंट मंथ, करंट मंथ आ गया मेरा सितंबर। ठीक है, उसके बाद क्या प्रिंट करना है हमें, क्या करना है, वीक नंबर ऑफ द ईयर, जैसे कौन सा हफ्ता चल रहा है, जैसे हमारे हमारे पूरे साल के अंदर कितनी 52 हफ्ते होते हैं, तो हमें पता करना है कि ये अभी जो हफ्ते में हम है ये कौन सा हफ्ता है। मैं क्या करूंगी, ऐसा कुछ प्रिंट करने के लिए आया, मैं लिखूंगी प्रिंट, मैं यहाँ पे सिंपली लिख देती हूँ वीक नंबर ऑफ द ईयर। देवी में होता है डेट, यही यूज करूंगी, डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे डॉट एसटीआरएफ टाइम। इसमें हफ्ता प्रिंट कराने के लिए हम लोग इसको लिख देंगे डब्ल्यू। एक 38th हफ्ता चल रहा है पूरे साल का, अगर मुझे प्रिंट कराना है। उसके बाद कौन सा है, डे ऑफ द वीक, डे ऑफ द वीक प्रिंट कराना है कि आज हफ्ते का कौन सा दिन है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, प्रिंट क्या है, सिंपली फॉर्मूला है ये, डेट टाइम डॉट डेट डॉट टुडे डॉट एस टी आर एफ
स्मॉल डॉट एम आई ऑडिबल और व्हाट यस मैम हम कुछ ऐसे कर सकते हैं अच्छा ऐसा करना अभी आज संडे है राइट अगली क्लास तक सब ट्राई करना पाइथन के दो दो मॉड्यूल्स सबको करना एक एक्टिविटी करते हैं हर इंसान क्या करेगा पाइथन के दो मॉड्यूल्स ढूंढ के लाएगा जो हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं और उसके दो दो फंक्शंस भी जैसे कि जैसे डेट टाइम कोई नहीं लाएगा ढूंढ के कैलेंडर नहीं कोई ला सकता मैथ्स नहीं कोई ला सकता रैंडम नहीं कोई ला सकता जो जो मॉड्यूल्स हमने क्लास में करे हैं वो नहीं ढूंढ के लाएगा सब जन अगले हफ्ते क्या करेंगे दो मॉड्यूल्स ढूंढने हैं सबको और उन दो मॉड्यूल्स में दो दो फंक्शंस भी ढूंढने हैं ठीक है ये सब कर सकते हैं ना कि अगले हफ्ते तक क्या करेंगे अगले सैटरडे जब क्लास होगी सब लोग क्या करेंगे दो मॉड्यूल्स ढूंढने हैं और उन दो मॉड्यूल्स के दो दो फंक्शंस मैम गूगल से हाँ क्या हुआ गूगल से हाँ गूगल से और उसको एक छोटे से प्रोग्राम में भी अप्लाई करके अप्लाई करना फिर क्लैरिटी होगी देखते हैं कि कितने हैं हमारे पास कितने 25 लोग हैं क्लास में तो 25 अलग हमारे पास मॉड्यूल्स और पैकेजेस आएंगे ठीक है अगले सैटरडे हम एक्टिविटी करेंगे फिर सब लोग अपने दो मॉड्यूल्स को और दो फंक्शंस को रन करके दिखाएंगे चलेगा मैम हम मेरा तो 3 मंथ कंप्लीट होने वाला है अब ओके मेरे को इसके बारे में नहीं पता है आप प्लीज कोर्स के रिलेटेड जो जो चीजें हैं ना आप तारीख से कंफर्म कर लेना आपके ग्रुप में ठीक है तो जो अगली क्लास में आएगा ना अब तो वो लोग क्या करना दो दो मॉड्यूल ढूंढ के लाने और दो दो फंक्शन सब लोग ढूंढ के लाना और एक एक करके हम देखते हैं कौन कौन सा मॉड्यूल ढूंढ के लाते हैं ठीक है ओके अच्छा एक और चीज बताती हूँ मैं एक इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ ये तो हो गया बाकी क्वेश्चन भी सॉल्व करके दिखाऊं डे ऑफ द ईयर डे ऑफ द मंथ और डे ऑफ द वीक वाले नो मैम यस मैम ओके मैं करके दिखाती हूँ ठीक है डे ऑफ द ईयर निकालना है डे ऑफ द ईयर निकालने के लिए हम लोग सिंपली लिख सकते हैं यही वाला ईयर निकालने के लिए हम ए लिखते होते हैं ठीक है डे ऑफ द वीक निकालने के लिए और डे ऑफ मंथ निकालने के लिए हम लिखते होते हैं स्मॉल डी एंड डे ऑफ द ईयर निकालने के लिए हम लोग लिखते होते हैं डब जे मुझे ये कैसे याद है मुझे याद नहीं है मैंने डॉक्यूमेंटेशन पढ़ी थी और मैंने कुछ लिख के रख लिए थे अपने पास ये जो काम आएंगे ठीक है तो ऐसे ही चल जाएंगे ये आ गया करंट डेट आ गई करंट ईयर आ गया मंथ सितंबर निकाल दिया वीक मंथ ऑफ द ईयर 38 आ गया वीक डे 0 है क्योंकि इनका जो कैलेंडर है उसमें संडे को पहला दिन माना जाता है हफ्ते का ये दिन का क्या इस साल का 271st ईयर है 27वां महीना चल रहा है और डे ऑफ द मंथ आज 27 तारीख है 27 तारीख है और आज संडे है ठीक है ओके
अच्छा एक और मॉड्यूल के बारे में मैंने जो ढूंढा था आज आज बताने के लिए, एक और मॉड्यूल के बारे में देखते हैं। किसी ने रैंडम मॉड्यूल का नाम सुना है? अगर हम लोगों को कोई भी नंबर रैंडमली चाहिए होता है कि किसी रेंज से, हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक मॉड्यूल है रैंडम करके, ठीक है, उसको यूज कर सकते हैं। कैसे? इम्पोर्ट रैंडम, फिर इस पे क्या करेंगे हम लोग, मैं लिख देती हूँ, मैंने अपना मॉड्यूल रैंडम इम्पोर्ट किया, फिर मैं क्या लिखती हूँ, मेरे को एक रैंडम नंबर ढूंढना था, मैंने एक वेरिएबल बनाया रैंडम नंबर करके। तो इस रैंडम फंक्शन में ना एक फंक्शन होता है, इस मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है रैंडम डॉट रैंड इंट। रैंड इंट का मतलब कि तुम दो नंबर्स दोगे उसके बीच में, या कौन सा कोई रैंडम इंटीजर है वो मैं प्रिंट कर दूंगा। जैसे मैंने इसको बोला कि एक रैंडम नंबर करके मैंने एक वेरिएबल बनाया और मैंने प्रोग्राम में लिखा कि एक रैंडम मॉड्यूल है, रैंडम के अंदर एक फंक्शन है, क्या है फंक्शन का नाम, रैंडिंट। रैंडिंट का यूज क्या होता है, ये फंक्शन तब यूज करते हैं अगर हमें कोई रैंडम होल नंबर चाहिए होता है, मतलब पॉइंट वाला नहीं, सिर्फ एक इंटीजर, पूरा इंटीजर चाहिए होता है, तो हम लोग ये यूज करते हैं। तो प्रिंट कर रही और अपने आप कोई ना कोई नंबर आता जाएगा, एक ना चार आ गया। अभी मैं एक और बार प्रिंट करूंगी, मैंने कुछ नहीं कोड में चेंज नहीं किया, उसने खुद से जीरो दे दिया। तो ये कौन कर रहा है, ये रैंडम डॉट रैंडेड कर रहा है, ठीक है। अभी अगर मेरे को, मैं चाहती हूँ कुछ ऐसा, तो अगर मैं रैंडेड नहीं करूंगी, एक और फंक्शन होता है उसका नाम है रैंडम डॉट रैंडम। ओके, रैंडम डॉट रैंडम में क्या करते हैं, अगर हम यहाँ पे, या तो हम रेंज दे सकते हैं, यहाँ पे हम रेंज नहीं देते हैं, हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई का साइन और कहाँ तक हम रैंडम नंबर चाहिए। अगर मुझे जीरो से लेके पांच तक रैंडम नंबर चाहिए तो मैं कुछ ऐसा लिखूंगी, ये खाली ब्रेसेस और जहां तक चाहिए होते हैं, ये जीरो से बाय डिफॉल्ट जीरो से शुरू होता है, और ये इंटू फाइव लिख देंगे या हंड्रेड, मैंने हंड्रेड लिख दे, जहां तक हमें जीरो से लेके, जैसे ऊपर लिखा था ना जीरो से फाइव तक, अगर हम जीरो से कौन से नंबर तक चाहते हैं वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। एक और, एक इसमें और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है रैंडम का फंक्शन, उसका नाम है चॉइस। वो कैसे करेंगे, अगर हमें लिस्ट में से कुछ रैंडम निकालना हो, मैं क्या कर रही हूँ, एक लिस्ट बना रही, तो मैंने चार चैनल्स के नाम लिख दिए। अभी तो मैं चाहती हूँ कि इनमें से कोई रैंडमली चूज हो जाए, मैं क्या करूंगी, चॉइस करके हमारे पास एक वो होता है, फंक्शन होता है, तो यहां से मैं अपना लिस्ट का नाम तो इसने रैंडमली एक लिस्ट में से एक चूज कर दिया, जैसे इसने कलर्स चूज कर दिया। मैं दोबारा प्ले कर रही, इस टाइम इसने स्टार पर चूज कर दिया, ठीक है। आई गेस आसानी है ये, है ना, मैंने कुछ नहीं किया है, मैंने तीन आज उस जब से क्लास चालू हुई है मैंने एक खुद से मॉड्यूल बनाया,
फिर मैंने दो इनबिल्ट मॉड्यूल चूज करे पाइथन के, एक डेट एंड टाइम चूज करके चीजें करके दिखाई और एक रैंडम मॉड्यूल चूज करके मैंने चीजें करके दिखाई। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट होता है इसमें पाइथन में, बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। पिछली क्लास में हम लोग, किसी को याद होगा, तो एक फंक्शन में कुछ ऐसा नहीं था, प्रिंट करना था कुछ ऐसा, मैं एग्जाम्पल देती हूँ। हाँ, प्रिंट कर रहे हैं फंक्शन लिख रहे थे हम पिछली क्लास में, याद है किसी को? तो हम लोग क्या कर रहे थे, इस चीज को बोलते हैं, इसको स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये मॉडुलस एस है ना, तो ये किसको डिनोट करता है, ये जो यहाँ पे नेम लिखा है ना उसको डिनोट करता है। बट इसमें लिमिटेशन क्या थी, जब याद करो, जब मैं एक लिस्ट ऑफ नंबर्स प्रिंट कर रही थी तो मुझे पता होना बहुत जरूरी था कि इस लिस्ट में तीन वैल्यूज हैं या चार वैल्यूज हैं, इसीलिए इसकी ये लिमिटेशन हो जाती है। जब हम लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना, और हम चाहते हैं कि ये नेम, जैसे ये जांडर लिखा है, और फील्ड्स लिख देती हूँ मैं, मैंने कुछ पांच ये लिख दिए वेरिएबल्स बना दिए। ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम जो वेरिएबल का नाम है ऐसे ना लिखे, सीधा ना लिखे, हम क्या करेंगे, हम लोग दो तरीके हैं, या तो अगर मेरे को इस तरह करना है कुछ, तो मैं ऐसे करूंगी, इस वाले मेथड से करना है, ये परसेंटेज वाले मेथड से। मैम, नेम का कैसे परसेंटेज निकलेगा? परसेंटेज नहीं, परसेंटेज यहाँ पे क्या करता है, परसेंटेज डिनोट करता है कि ये जो परसेंटेज लिखा है ना, इसकी जगह नेम आएगा। ये मैथ्स, ठीक है, मैथ्स का परसेंटेज फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे, इसका ये मतलब है। ठीक है, अगर मेरे को इसी लाइन में जेंडर प्रिंट करना है था, ठीक और क्या प्रिंट कर सकती हूँ मैं, जॉब प्रिंट कर सकती हूँ, तो मैंने क्या किया, ये जो एस था, ठीक है, ये जो पहला एस था, ये नेम के साथ चिपक रहा, नेम की वैल्यू ली, अभी मेरी जो जेंडर की वैल्यू थी, मैंने अभी इस एस के साथ गई। ठीक है, हेलो मैम, हाँ बोलो,
आप स्क्रीन पे सेंड कर रहे हो? हाँ बाबा। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही आपकी। ओके चैट में जाके पिन करो। मैम पिन किया हुआ है। ओके पहले दिख रही थी आपको? हाँ मैम पहले दिख रही थी। ओके क्या किसी और को? सबको स्क्रीन नहीं दिख रही है? दिख रही है मैम, दिख रही है। ओके आप ऐसा करो, आप एक बार क्लास लीव करके दोबारा रीजॉइन कर लो, ये भी तब दिखने लगेगी। ठीक है मैम। ओके तो ये क्या है, एक तरीका है ठीक है। अगर मेरे को यहाँ पे नेम का जो था मैंने यहाँ प्रिंट कराना था ठीक है, जेंडर मैंने यहाँ प्रिंट कराना था और ये जॉब यहाँ पे प्रिंट कराना था ठीक है, तो एक तो तरीका ये हो गया ठीक है। अगर खुद सोचो अगर हमें 10 20 30 40 नाम लिखाने होंगे या वेरिएबल्स को कनेक्ट करना होगा तब तो बहुत लंबा सारा चीज बन जाएगी ना। तो इसको करने का एक सिंपल तरीका होता है, उसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग मेथड। इसमें क्या करते होते हैं हम लोग, प्रिंट जैसे हेलो पहले ये बात है, हमें कैसे पता लगेगा ये एफ स्ट्रिंग है? तो हम यहाँ पे ना आगे एफ लिख देंगे। हेलो माय नेम इज दिस, फिर आगे यहाँ पे नेम आई एम मैम अभी क्या बताया था एक बार आप बता दोगे? बता रही बता रही। तो मैं क्या कर रही, मैं यहाँ पे ये कर रही हूँ अभी। मैं क्या कर रही थी पहले, ये याद है हमने पिछली क्लास में किसी फंक्शन में ऐसा मेथड आया था, ये एम परसेंट एस और साइड में लिखी हुई थी जो जो चीजें हम कर रहे थे, है ना? याद करो पिछली क्लास में हमने ऐसा फंक्शन बनाया था, तो वो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा नहीं था पर मैंने वहां पे यूज कर दिया था। अभी मैं इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा रही कि ये क्या होता है, ये स्ट्रिंग्स का एक, इसको बोलते हैं एफ स्ट्रिंग करके होता है। देखो जब हम लोग बड़े प्रोजेक्ट्स बनाते हैं ना तब हम लोग ये कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। देखो अभी क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे तो तीन ही नाम थे जैसे नेम जेंडर और जॉब, सपोज करो अगर यहाँ पे 15 20 नाम होते तो क्या मैं बार बार एम्परसेंड एस लिखती जाती लिखती जाती? वो तो बहुत ही लंबा प्रोसीजर हो सकता था और कंफ्यूजन भी तो हो सकती है ना मुझे कि कहाँ कौन सा एस किसको डिनोट करता है। तो वो yes, ऐसी चीज के लिए हम क्या करते हैं, हम लोग एफ स्ट्रिंग यूज करते हैं। एफ स्ट्रिंग क्या होता है, वो स्ट्रिंग पहली बात नॉर्मल स्ट्रिंग से एफ स्ट्रिंग कैसे डिफरेंस होता है, दिस इज आगे हम एफ लिखते हैं ठीक है। ये एफ स्ट्रिंग यूजली क्या होता है, इसका नाम ही एफ स्ट्रिंग इसलिए है ये ना सेव करता है हमारा टाइम। एफ मीन्स फास्ट होता है ना, एफ से फास्ट, तो एफ से ये हमारा होता है फास्ट स्ट्रिंग, इसको फास्ट स्ट्रिंग भी बोलते हैं। इसको ये कब यूज करते हैं, जब हमें जल्दी जल्दी में बहुत चीजें वो करनी हो रिप्रेजेंट। अभी मैंने यहाँ के पे क्या किया, हेलो माई नेम इज और मैंने अपना नाम लिख दिया यहाँ पे। कैसे नाम लिखते हैं, करली ब्रेसिस के अंदर ठीक है। फिर आगे क्या लिखा, आई एम अ और मैंने ये जेंडर लिख दिया। फिर आगे आई एम वर्किंग एज, यहाँ पे आ गया मेरी जॉब ठीक है। तो ऐसे हम लोग ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं, दोनों के आउटपुट में कोई डिफरेंस नहीं है बट ये एक अच्छा तरीका है। बहुत सारे कोड में ऐसा ही लिखा होता है, ये चीज लिखी होती है ठीक है। जब आप लोग किसी के कोड देखोगे ना, जब जब हम लोग इसको एक्चुअल लाइफ में यूज करने लगते हैं या हम कोड करने लगते हैं तो जनरली हम लोग ये एफ स्ट्रिंग का कॉन्सेप्ट उठाते हैं ठीक है। यस मैम। एक और छोटा टॉपिक करते हैं हम लोग। हम लोग क्या करते हैं, डिक्शनरी रहता था ना टॉपिक हमारा, तो आज हम लोग डिक्शनरी वाला टॉपिक भी खत्म कर देते हैं। यस मैम।
पूछता हूँ मैंने। ये अलग अलग लाइन में कैसे लिखेंगे? कहाँ पे लक्ष्मी? अच्छा, लक्ष्मी आपकी क्वेरी मेरे को समझ में नहीं आई। आप क्वेरी दोबारा लिख सकते हो या माइक ऑफ करके बोल सकते हो, ऑन करके बोल सकते हो? मैम वो पूछ रही है ना कि मैम इसको हम अलग अलग तरीके मतलब अलग अलग लाइन से मतलब कैसे लिख सकते हैं। अलग अलग लाइन से मतलब अलग अलग लाइन से कैसे? वही चीज नहीं समझ रही आपको। मतलब मैम हम लोग एकदम चिप मतलब जैसे आप एकदम चिप मतलब एकदम स्पेस नहीं दिए ना तो स्पेस दे दे कि जैसे वो एक लाइन में माय नेम इज, उसके बाद फिर दूसरे लाइन में अच्छा और वो, अच्छा, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके लिए हम लोगों ने, याद है, कुछ किया था, बैक स्लैश एन करी थी। यहाँ पे हम लोग बैक स्लैश एन लगा देंगे। बैक स्लैश एन से क्या होता है, नेक्स्ट लाइन में अपने आप चले जाते हैं। मैं रन करके दिखाती हूँ। ये देखो, अब दिख रहा है ये? सी कैसे किया मैंने, ये बैक स्लैश एन लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, आगे चले। यस मैं मैम। इसका यूज हम लोग कैसे करेंगे, जैसे किसी कंपनी का ज्वाइनिंग लेटर हो और बहुत सारे आदमी को देना हो तो उसमें यूज कर सकते हैं ना। हाँ, उसमें कर सकते सब कुछ सेम ही रहेगा, सिर्फ नाम वगैरह चेंज होगा, नाम और फादर जो भी हाँ। पर्सनल डिटेल हो, क्या हुआ? जो भी पर्सनल डिटेल हो बस वही चेंज होगा, बाकी सब वही रहेगा। तो वही सब चीज में ना इसको यूज करेंगे कर पाएंगे। हाँ जी ठीक है। मिनट, थोड़ा मैं नहीं फाइल। ओके, डिक्शनरी क्या होती है? किसी ने कभी डिक्शनरी यूज करी है? क्या यस मैम। होता है डिक्शनरी में? डिक्शनरी में बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन होता है, उसका फिर एंटोनिम्स सीनोनिम होता है, मतलब उसको और क्या क्या बोलते हैं, उसका हिंदी में अर्थ दिया हुआ रहता है तो और उसमें एक दिया सिस्टम रहता है क्या की रहता है, जैसे की और वैल्यू भी यूज होता है। जैसे एक एक का वर्ड पहले लिखा रहता है, फिर बी का, फिर सी का, फिर डी का, ऐसे। अच्छा, तो एक जितना मुझे समझ में आया, डिक्शनरी कैसी चीज होती है? पहले अगर किसी अक्षर का हम ढूंढ रहे होते हैं, उसका नाम होता है ना? जी मैं डिक्शनरी में हम तो डेटा स्टोर भी कर सकते हैं ना शायद। डिक्शनरी में हम डेटा स्टोर कर सकते हैं क्या? हम डेटा स्टोर कर सकते हैं। देखो, डिक्शनरी बेसिकली क्या होती है, डिक्शनरी ऐसा होता है ना, एक बुक होती है जिसमें अगर हिंदी टू इंग्लिश डिक्शनरी है या इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी है। जैसे मैंने सर्च किया, एक वर्ड होता है जिसको हम ढूंढना होता है डिक्शनरी में कि बुक है, ठीक है, बुक ढूंढनी है। बुक अगर मैं इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी की बात कर रही हूँ, मैं क्या करूंगी, बी वाले पेज पे जाऊंगी और फिर ढूंढूंगी बुक कहाँ लिखी है, बुक के सामने क्या लिखा होगा, बुक को हिंदी में क्या कहते हैं, किताब, ऐसा ही कुछ होगा यस डिक्शनरी में। तो डिक्शनरी में दो चीजें होती हैं, क्या हुई, एक तो की हुई और एक मेरी हुई वैल्यू हुई। यहाँ पे बुक मेरा की था
और वैल्यू थी मेरी किदा। यस मैम, की और वैल्यू मतलब दोनों। तो टर्म समझ आई, की और वैल्यू? यस मैम। ओके, तो डिक्शनरी बेसिकली हमारी होती है कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यूज। तो इसको कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डिक्शनरी कैसे बनानी है, तो मैं क्या करूंगी डिक्शनरी बनाने के लिए, जैसे मैं D1 नाम लिखा मैंने डिक्शनरी का, और मैंने एक खाली ब्रेसेस लगा दी। इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने मेरी एक डिक्शनरी बन गई। कैसे? मैं इसका टाइप ऑफ चेक कर लेती हूँ। कैसे टाइप ऑफ कैसे चेक करते थे हम लोग? टाइप कैसे ढूंढेंगे हम लोग? मैम प्रिंट वैल्यू। वैल्यू? यस मैम, शायद टाइप ऑफ करके एक फंक्शन होता ना, हमें हमें पता करना है कि ये चीज एक इंटीजर है, टपल है, लिस्ट है। तो हम कैसे करेंगे? हम लोग सिंपली लिखेंगे टाइप ऑफ, सॉरी टाइप, अकेला टाइप, और लिखेंगे उसका नाम। तो मैंने D1 नाम करके डिक्शनरी बनाई थी। देखो टाइप ऑफ क्या आया इसका, मतलब D1 था। अगर हम कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो टाइप ऑफ क्या बनेगा? कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे तो हमारा एक डिक्शनरी बन जाएगी। ठीक है, अभी डिक्शनरी में वैल्यूज कैसे ऐड करेंगे? मैं सिंपली क्या करूंगी, एक नए डिक्शनरी में मेरे को पहले से वैल्यूज ऐड करनी है। जैसे क्या कर सकती हूँ, बुक बुक क्या हो सकती है, या पाइथन बुक के बारे में, तो कॉपी टू रीड। पहले हम लिखेंगे उसका की, ये मेरी की होगी बुक, और मेरी वैल्यू होगी जैसे अ कॉपी टू रीड। ठीक है, ओके, देन बर्गर, इसको कॉमा के साथ सेपरेट करते जाएंगे। जैसे बुक लिखा, इसका मैंने की लिखी, बुक इज माई की, इसकी वैल्यू की हुई अ कॉपी टू रीड। ओके, तो फिर मैंने दूसरा लिखा बर्गर, और इसका क्या हुआ, वैल्यू क्या हुई, मैंने लिखी अ जंक फूड। और क्या लिख सकते हैं मैं, चार? मैं इसको सिर्फ यहाँ पे खत्म कर दूंगी। तो ये तो मेरी ऐसे एक डिक्शनरी बन गई। इसको प्रिंट करके देख लेती हूँ। प्रिंट B2, सॉरी B1 मैंने प्रिंट किया। मेरी डिक्शनरी में क्या आया, बुक, बर्गर और टीचर। अगर हमें सिर्फ डिक्शनरी की अकेली कीज प्रिंट करनी है तो हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट D1.keys। अगर अकेली वैल्यूज प्रिंट करनी है तो क्या करेंगे, प्रिंट D1.values।
मैम अगर आइटम वाइज प्रिंट करना है तरीक ओके हम तीन तरह से डिक्शनरी वाली चीजें प्रिंट कर सकते हैं। अगर हमें पूरी डिक्शनरी प्रिंट करनी है तो हम लोग लिख देंगे प्रिंट D1। अगर हमें सिर्फ डिक्शनरी की कीज प्रिंट करनी है तो हम लिख देंगे D1.keys। अगर हमें वैल्यूज प्रिंट करनी है सिर्फ वैल्यूज मतलब अ कॉपी टू रीड अ जंक फूड अ पर्सन टू टीच ठीक है ऐसी हमने तीन वैल्यूज लिखनी है प्रिंट करनी है सिर्फ और उसका कीज नहीं प्रिंट करना है तो डॉट वैल्यूज लिख सकते हैं। और अगर हमें पूरा नाम लिखना है जैसे देखो आइटम्स क्या थी मेरी बुक थी बुक मेरा कॉपी टू रीड था देन बर्गर जंक फूड ओके टीचर पर्सन टू टीच तो ऐसे हम आइटम्स लिख देंगे ठीक है इतना समझ में आया। यस मैम ओके मैम यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आया कि जो ब्रैकेट है ना एक और उसके अंदर भी एक ब्रैकेट है तो उसका क्या मतलब है उसका और उसका वर्क क्या है। अच्छा कहाँ पे एक कौन सी लाइन नंबर 41 पे नहीं नहीं वो प्रिंट प्रिंट जो लिखा हुआ है तो उसमें दो अच्छा, ब्रैकेट है हाँ, तो एक छोटा जो वाला ब्रैकेट जो लास्ट में उसका क्या मीनिंग है और अच्छा ठीक वर्क है क्या करता है वो। अच्छा पहले बता दूं देखो इसको डिबग करते हैं तोड़ते हैं छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं। पहले एक जब हमने प्रिंट फंक्शन लिखा है तो प्रिंट फंक्शन हम ऐसे लिखते हैं है ना जी फंक्शन ऐसे लिखते हैं तो फिर मैंने क्या किया D1 D1 मेरी डिक्शनरी का नाम हुआ इसमें मेरे पास एक फंक्शन था कीज ठीक है तो जो वो फंक्शन है ना तो वो फंक्शन भी ऐसे हम जैसे प्रिंट हमारा फंक्शन हुआ ठीक है याद है वो वाले फंक्शंस जहाँ पे जो फंक्शंस थे कईयों में आर्गुमेंट डालना होता था और कई फंक्शंस में आर्गुमेंट नहीं डालना होता था तो कीज वाला फंक्शन है ये वाला वो फंक्शन है जिसमें हम आर्गुमेंट नहीं डालेंगे तो इसलिए हमने कीज के बाद खाली ब्रैकेट्स लगा दी ठीक है। ओके मैम नहीं समझ क्या हुआ क्या समझ नहीं आया आ गया ठीक है ओके अच्छा अभी फंक्शन को ये तो हो गया कैसे प्रिंट करना है अभी फंक्शन को डिलीट कर फंक्शन में एक और वैल्यू डालनी हो तो क्या कर सकते हैं हम दो तरीके से डाल सकते हैं क्या डालू मैं तू बताएगा क्या डालना चाहिए इस फंक्शन में क्या डालू मैं यहाँ पे मतलब इस डिक्शनरी में क्या डालू ओके कुछ भी जो आपको समझ में आए फोर्थ नेम डाल दीजिए COVID-19 बस टू क्या मैंने अगर की एक तरीका ऐसा होता है हमने यहाँ पे अपना की डाला जैसे ये D1 है D1 के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाएंगे फिर हम कोट्स में क्या लिखेंगे उसका की ये कौन सी की है वो और फिर उसके बाद ये इधर इक्वल टू फिर लिखेंगे उसकी वैल्यू। एक ये तरीका हो गया दूसरा तरीका हो गया जैसे जैसे स्कूल्स एक तरीका हो गया डॉट अपडेट एक तरीका हो गया कि अब उसने हमने उसका नाम लिखा और मैंने ना उसका जो की थी मैंने की लिख दी जैसे COVID-19 मैंने की लिखा और मैंने उसकी वैल्यू लिख दी एंडलेस वेकेशन। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका है डिक्शनरी में वैल्यू ऐड करने का वो क्या है अपडेट फंक्शन लगाएंगे क्या लिखा डिक्शनरी का नाम D1 डॉट अपडेट डॉट अपडेट के बाद फिर क्या था स्कूल उस स्कूल क्या थी अ प्लेस टू स्टडी ठीक है मैं प्रिंट करके देख लेती हूँ सी
ये COVID-19 और स्कूल भी ऐड हो गया। और अगर हमें कुछ डिलीट करना है तो डिलीट डिलीट कैसे करेंगे हम लोग? प्रिंट, सॉरी प्रिंट आएगा, डिलीट BEL भी मेरा रिजर्व कीवर्ड है, ये डिक्शनरी का नाम। कौन सा की डिलीट करना है, जैसे हमें डिलीट करना था एक मिनट, यहाँ पर जो D1 आपने लिखा है और कोविड ऐसे करके जो लिखा है तो उसमें अपडेट तो नहीं लिखी है, लेकिन वो क्यों अपडेट हो गया? ये अपडेट करने का एक और तरीका है, अगर हम ये स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पे की और यहाँ पे वैल्यू लगाएंगे ना तो एक मतलब डॉट अपडेट वाला एक अलग तरीका है। हम चाहे तो डॉट अपडेट यूज कर लें, चाहे हम ये D1 वाला मेथड यूज कर लें कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा के। ओके, देखो दोनों में फर्क क्या है, दोनों कहाँ यूज करनी है। अगर तो हम चाहते हैं एक ही वैल्यू अपडेट करनी है तो हम लोग ये जो लिखा है ना D1 इज इक्वल्स टू कोविड स्क्वायर ब्रैकेट में ये यूज कर सकते हैं। अगर एक से ज्यादा वैल्यू अपडेट करनी है तो हम दूसरा नीचे वाला तरीका लिख सकते हैं, यहाँ ये वाला ऐसे। सी एक से ज्यादा चीज अपडेट होगी राइट, अपडेट मेथड लगा देंगे। अगर हमें डिलीट करना है तो हम सिंपली लिखेंगे डिलीट, और मेरी की का नाम, जैसे मेरे को COVID-19 को डिलीट करना है। और यहाँ पे D1 से मुझे COVID-19 को डिलीट करना है, मैं प्रिंट करूंगी समझ में आया ये डिक्शनरी का कैसे करते हैं अपडेट और डिलीट? ओके, किसी को डिक्शनरी में डाउट है क्या? नो मैम। तो दैट्स ऑल अबाउट डिक्शनरीज। ओके, एक इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन करें आज। यस मैम। किसी ने मैजिक बॉल, क्या बोलते हैं इसको, मैजिक 8 खेला है यहाँ पे? नो मैम। क्या मैम? एक गेम होती है उसका नाम है मैजिक 8, किसी ने खेला है क्या वो कभी? एक बॉल होती है ठीक है, तो जैसे वो नहीं थी पूल टेबल देखा है, यहाँ पे हम एक स्टिक के साथ बॉल्स को कोनों में डालते होते हैं, वो टेबल देखा है कभी? जैसे है ना पूल गेम भी होती है अपने फोन पे, तो उसमें एक वो नहीं होता ब्लैक कलर की बॉल होती है जिसके ऊपर 8 बना होता है, कभी देखिए? मतलब वैसी बॉल होती है ब्लैक कलर की, उसके ऊपर 8 बना होता है। यस मैम। पता है ज्यादा ये किसके पास होती है, किसके पास होती है? उन लोगों के पास जो वो नहीं करते आपका मैजिक से, वो कहते हैं कि आ जाओ मैं तुम्हारा फॉर्चून बताऊंगी कि आज तुम्हारे साथ क्या होने वाला है, कुछ वैसा कभी ठीक है ऐसा, मतलब एक मेले वेले में कई बार देखा है मैंने तो, कि वहां पे क्या होता है एक कोई अंकल या आंटी सी बॉल लेके बैठी होती है उसपे 8 लिखा होता है और वहां पे बोलते हैं कि हम आज तुम्हारा फॉर्चून बताएंगे, कभी देखा है ऐसा? या जैसे तोता वो एक मिर्ची खा के एक कार्ड चूज करता होता है और फिर वहां पे फॉर्चून बताते होते हैं, कभी वो देखा है? ओके, तो हम लोग बेसिकली क्या करने वाले हैं, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक रैंडमली वो करेंगे कि
एक मैजिक एट बॉल बनाएंगे, उसमें क्या होता है वो हम उस बॉल से कोई क्वेश्चन पूछते होते हैं और रैंडमली वो आंसर देता होता है आपके क्वेश्चन का. जैसे जैसे मैंने क्या पूछा, जैसे क्या मैं मैथ्स पेपर में पास हो जाऊंगी, तो उसका आंसर वो देगा कि हाँ कि पक्का हो जाओगी, विदाउट अ डाउट या डेफिनेटली या कुछ ऐसा अटपटा सा आंसर, नहीं तुम पास नहीं हो पाओगी. तो वो बॉल सिर्फ एक आंसर देगा आपको, ठीक है. यस बेसिक मैम। इसका प्रॉब्लम स्टेटमेंट दिखाऊं तो मैं क्या करने वाले हैं, हम एक पाइथन प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं ऑफ अ मैजिक एट बॉल विच इज एक्चुअली अ टॉय टू यूज टू टेल अस फॉर्चून टेलिंग और सीकिंग एडवाइस. हमें क्या करना है, हम यूजर से क्वेश्चन पूछेंगे और फिर हम उसे बताएंगे एक प्रोग्रेस मैसेज. क्रिएट 10 to 20 रिस्पॉन्स एंड शो अ रैंडम रिस्पॉन्स, अलाउ द यूजर टू आस्क क्वेश्चन एंड एडवाइस और टू क्विट द गेम. तो यहाँ पे क्या करने वाले हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक अलाउ करना है यूजर टू इनपुट देयर क्वेश्चन, क्वेश्चन यूजर इनपुट देगा, फिर हम प्रोग्रेस दिखाएंगे कि कितना उसका आंसर क्या है, कि प्रोग्रेस मैसेज यार प्रोग्रेस मैसेज इन द साइन कि उसका रिप्लाई देंगे, ठीक है. फिर उसके बाद क्या करना है कि उसका रिप्लाई देना है यूजर के क्वेश्चन का. फिर वो बोल रहा है कि 10-20 रिस्पॉन्स तुम खुद से बना लेना, क्योंकि जो फॉर्चून टेलिंग वाली चीज है वो हम खुद से बना लें और हम उसके क्वेश्चन का एक रैंडम रिस्पॉन्स देंगे. और फिर उसके बाद क्या होगा, अलाउ करना है यूजर से एक और क्वेश्चन पूछ सकते हो या नहीं पूछ सकते हो. वो करना है, इसका क्या मतलब है कि यूजर बार बार क्वेश्चन पूछी जाएगा जब तक हम उसको बोलते नहीं कि मैजिक बॉल क्विट, मतलब गेम क्विट करते, ठीक है. प्रॉब्लम समझ में आई? मैजिक बॉल 8 में क्या होता है, एक यस मैम, समझ में आ गया। आजकल फेसबुक पे भी बहुत ज्यादा है कि अपने जन्म का महीना चुनो तो देखो। हाँ वैसा ही कुछ, तो वैसा ही कुछ पाइथन में बनाते हैं अपन, मजेदार है शायद ये. जी हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक प्रिंट स्टेटमेंट डाल दूं, प्रिंट हेलो वर्ल्ड आई एम मैजिक, आई एम मैजिक एट बॉल है ना, आई एम मैजिक एट बॉल. फिर वो पूछ रही है व्हाट्स योर नेम, उसने व्हाट्सअप योर नेम पूछा. मैंने क्या किया, नेम करके बनाया है, इनपुट इनपुट लिया. फिर वो प्रिंट कर रही है मेरी मैजिक बॉल. हेलो से, मैं एक और चीज करती हूँ, मेरे को रैंडमली क्वेश्चन देना है तो मैं क्या करूंगी, रिपोर्ट रैंडम कर लूंगी. एक और चीज करती हूँ, मैं फटाफट आंसर्स लिख लेती हूँ. आंसर्स जैसे
मैंने क्या किया, मैंने 5 आंसर लिख दिए ठीक है रैंडमली। तो फिर अभी मैं क्या कर रही, मैं क्या करूंगी, डिफाइन कर रही हूं मैं मैजिक बॉल, ये क्या करेगा, क्वेश्चन पूछ रहे मैम। ये मैजिक बॉल का आप जरा मेरे को समझा दीजिए ना। ये मैजिक बॉल ये क्या है, मैजिक बॉल मैंने मैंने सिंपली एक फंक्शन का नाम रखा है मैजिक बॉल। देखो क्या करने वाले हैं हम लोग, क्या करने वाले हैं, जो यूजर रहेगा, यूजर आपसे आपको कोई क्वेश्चन देगा, जैसे जैसे एक क्वेश्चन है क्या कोविड चले जाएगा, ये क्वेश्चन है। मैजिक बॉल क्या है, मैजिक बॉल ऐसा एक खिलौना है जो आपको आंसर देता है कुछ, जैसे हाँ चले जाएगा या शायद चले जाएगा, पता नहीं शायद चले जाएगा, विद द डाउट चले जाएगा, हाँ पक्का चले जाएगा, या बिल्कुल नहीं जाएगा, अभी अगली मार्च तक हमें तंग करने वाला है, या कुछ कह नहीं सकते। तो वैसे ही कोई ना कोई ये मैजिक बॉल आंसर देती है ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि क्वेश्चन आप हमें क्वेश्चन ने ये कहा, क्वेश्चन ने ये कहा कि अलाउ करना है यूजर टू इनपुट देयर क्वेश्चंस, कि जो यूजर है वो मेरी मैजिक बॉल से क्वेश्चन पूछे और फिर जो मेरी मैजिक बॉल है वो आंसर बताए ठीक है। उसके बाद उसने बोला कि क्रिएट करना 10 से 20 रिस्पॉन्स, जैसे मैंने यहाँ पे 5 ही करे हैं, रिस्पॉन्स मतलब उसका आंसर, कि वो बोल रहे थे कि 10-20 रिस्पॉन्स कर लेना, मैंने 5 ही बनाए हैं, कि आप रिस्पॉन्स खुद से रैंडम लिख लेना और इसको रैंडमली एलोकेट करना है जो यूजर क्वेश्चन पूछेगा। फिर उसके बाद क्या करना है, हमें ये भी निश्चय करना है कि यूजर आज अगला क्वेश्चन पूछ सकता है या क्विट द गेम ठीक है। यस मैम। तो मैजिक बॉल करके मैंने एक फंक्शन बनाया है ठीक है। तो मैंने उस पर लिखा इनपुट अप्रिंट, फिर मैंने लिखा इनपुट, इनपुट मतलब कि हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा। तो अभी देखो मैंने यहाँ पे मैंने नेम को सेव किया है, ये इनपुट जो लिया मैंने इस इनपुट को एक वेरिएबल नेम नाम के वेरिएबल में सेव किया है। क्यों किया है, क्योंकि मुझे आगे वो प्रिंट करना था। अभी इसने बोला हेलो, यहाँ पे मैंने इनपुट के आगे कुछ नहीं लिख रही हूँ, क्यों, क्योंकि मैं इस मेरे को इसके इनपुट को सेव करना ही नहीं है, जो कुछ भी क्वेश्चन पूछे मेरे को तो इन 5 में से इस रैंडम वाली एरे में से कोई भी एक रैंडमली आंसर दे देना। तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं सिंपली करूंगी प्रिंट, तो प्रिंट फिर मैं लिखूंगी आंसर्स, ये वाली जो मेरी आंसर्स वाली एरे थी ठीक है, आंसर्स डॉट, अच्छा हमने एक फंक्शन किया था ना, एक तो हम दो फंक्शंस लगा सकते हैं यहाँ, तो इस पे हम कौन सा फंक्शन लगा सकते हैं, वो चॉइस वाला ठीक है। एक तो वो तरीका हो गया, दूसरा तरीका जो मैं एक और तरीका बताती हूँ वो कैसे कर सकते हैं, जैसे आंसर्स लिखा ना, तो आंसर्स का मेरे को कोई भी रैंडम इंडेक्स ले लूंगी मैं, रैंडम, मैं रैंडम इंट वाला फंक्शन यूज कर रही हूँ, याद है जो मैंने आज रैंडम इंट दिखाया था, रैंडम का क्या था इसका, रैंड इंट, कहाँ से चालू होगा ये, 0 से लेके लेंथ इसकी आंसर्स, आंसर्स की लेंथ -1 ठीक है। फिर मैं वॉइस ब्रेक हो रही है आप, अभी ठीक है, यस मैम जी आई होप दैट हेल्प। एक और फिर मैं एक ना उसको, उसने ये भी बोला था ना कि अलाउ द यूजर टू आस्क अनदर क्वेश्चन और एडवाइस और क्विट द गेम, कि दोबारा रिप्ले कर पाए। तो मैं क्या करती हूँ, मैंने रिप्ले लिख रिप्ले एक फंक्शन बनाया, नीचे डिफाइन करती हूँ अभी मैं, प्रिंट कर रही हूँ,
करना है वही। वो उसका रिप्लाई आएगा। मैंने एक वेरिएबल में सेव कर लिया। इफ मेरा तो रिप्लाई था, क्या है वो वाइयो तो मेरा ये मैजिक बॉल चले सिर्फ यहाँ पे मैं एक एग्जिट फंक्शन लगा रही हूँ। एग्जिट फंक्शन का मतलब होता है कि कोड यहीं पे खत्म होता है, ठीक है। अगर गलत है वाई या एन नहीं डाला है, कुछ और ही डाल दिया मजे लेने के लिए, तो हम उसको भी बोलेंगे प्रिंट इंटर वैलिड ऑप्शन। गुजरा हेलो वर्ल्ड, आई एम मैजिक। अच्छा नहीं मैं सर। ओके हेलो स्माइल आस्किंग अ क्वेश्चन। ओके हेलो वर्ल्ड, उसने बोला इट्स सर्टेन, आई होप इट हेल्प। डू यू हैव अनदर क्वेश्चन? यस, तो फिर आस्क आस्क मी अ क्वेश्चन। विद अ डाउट, ओके आई होप इट हेल्प। डू यू हैव अनदर क्वेश्चन? आई डोंट हैव। वो प्रोग्राम वहीं पे खत्म हो गया। समझ में आया हमने क्या किया है? इसको इसमें डाउट हो, इस रैंडम लाइब्रेरी यूज करी है मैंने। यस समझ में आ गया मैम। समझ में तो आ जाता है, लेकिन इतना बड़ा लिखने में बहुत प्रॉब्लम होता है। मतलब ये नहीं समझ में आता कि कहाँ पे कॉलन लगेगा, कहाँ पे पैरेंथेसिस लगेगा, फिर क्या लिखेंगे। जो आपने बताया वो तो समझ में आ गया, लेकिन अगर इसको कोई बोल दे कि बिना देखे लिखो, तो फिर लिख नहीं पाते हैं। अच्छा देखो, बिना देखे लिखने में क्या दिक्कत है? मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मैंने मैंने क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ ली। देखो प्रोग्राम लिखना है, पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ेंगे। हम दो चीजें समझेंगे, पहले कि यूजर को इनपुट क्या चाहिए और हमें आउटपुट क्या देनी है। सबसे पहली चीज वो देखनी है। तो इसमें इस प्रो मेरे पास इतना ही प्रॉब्लम था, ठीक है। तो उसने बोला कि अलाउ द यूजर टू एंटर द क्वेश्चन, यूजर को उसका क्वेश्चन लिखने देना है। तो एक इनपुट यहाँ पे हो गई, फिर उसके बाद दूसरा इनपुट क्या आएगा? शो देम अ प्रोग्रेस मैसेज। प्रोग्रेस मैसेज क्या कि इसमें एक आउटपुट होना चाहिए, ठीक है।
उसने बोला कि फिर उसने प्रोग्रेस मैसेज की बात करी कि क्रिएट 10 से 20 रिस्पांस एंड शो देम अ रैंडम रिस्पांस. यहाँ पे उसने रैंडम रिस्पांस लिखा था, तो यहाँ पे मेरा दिमाग करा कि मैं रैंडम लाइब्रेरी यूज कर लेती हूँ. ठीक है, फिर रिस्पांस चाहिए तो उसने बोला कि 10 से 20 रिस्पांस बना लेना, खुद से बनाओ रिस्पांस. तो उसका क्या मतलब हुआ कि मैंने यहाँ पे एक एरे बना लिया जिसमें रिस्पांस है. ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि अलाउ द यूजर टू आस्क द क्वेश्चंस. बोला कि क्वेश्चन पूछे और एडवाइस ले या क्विट द गेम, ये मेरे को यूजर से पूछना है. तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने यहाँ पे कुछ ऐसा लिख दिया रिप्ले. देखो ये कैसे समझ में आया, मैंने उस क्वेश्चन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड किया. पहले वो बोल रहे यूजर से क्वेश्चन इनपुट लेना है, मैंने इनपुट ले लिया. फिर उसने बोला यूजर आउटपुट दे दे, मैंने आउटपुट दे दिया. मैंने उसको एक फंक्शन बना दिया क्योंकि मेरे को बार बार चलाना था. फिर उसके बाद मैंने रिप्लाई में क्या किया, मैंने उसमें पूछा कि अगर तुझे दोबारा कोई क्वेश्चन पूछना है तो पता कि भाई मैं यस करूं, ये नहीं पूछना है तो मैं एग्जिट करूं गेम को. तो वो इसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड करो. सोचो कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है इफ एल्स का कॉन्सेप्ट है, आपके पास एक कॉन्सेप्ट है फंक्शन का कॉन्सेप्ट है, एक कॉन्सेप्ट है लूप का कॉन्सेप्ट है. जो जहाँ पे लगता है ना इस कॉन्सेप्ट को यूज करके बना सकते हैं हम लोग, बस उसको लिखो और थोड़ा थोड़ा लिखो. जैसे मैंने तो एक के गो में लिख दिया, क्यों, क्योंकि मुझे पता था कि कैसे कैसे लिखना है. आप क्या कर सकते हो, एक छोटा मॉड्यूल बनाया, उसको प्ले करके देख लिया ये चल रहा है. फिर उसके बाद एक और मॉड्यूल बनाया, जैसे एक फंक्शन बनाया रिप्ले फंक्शन बनाया, क्या ये चल रहा है. फिर एक फंक्शन बनाया मैजिक बॉल करके फंक्शन बनाया, क्या वो चल रहा है. तो ऐसे ऐसे छोटे पार्ट में कोड को डिवाइड करो और कोड हो जाएगा. और ये छोटा नहीं है, ये बड़ा नहीं है कोड, बड़ा कोड मतलब लाइक 1000-2000 लाइन, इतना ज्यादा चले जाता है कोड, तो कुछ भी नहीं है. हमें डरना नहीं है कोड से. ठीक है, यस मैम. तो मैं सम अप करती हूँ. आज क्या किया हमने, एक आज हमने एक मैजिक बॉल वाला प्रोग्राम लिख के देखा, फिर हमने डिक्शनरी के बारे में पढ़ा था. ठीक है, उसके बाद हमने डेट एंड टाइम मॉड्यूल के बारे में देखा, फिर एक रैंडम मॉड्यूल के बारे में हमने देखा, फिर और क्या किया था हमने, और एक हमने खुद से एक पैकेज बनाया था, अपना मॉड्यूल बनाया था, और उसको इंपोर्ट कैसे करना है और वो देखा है ना. किसी को इन टॉपिक्स में कोई डाउट है? नो मैम, करके देखेंगे. हाँ करके देखना. और एक और चीज मैं बोलूंगी, अभी खुद से ना पाइथन के कॉन्सेप्ट्स प्रैक्टिस करके देखना, क्योंकि अभी इसके अलावा एक टॉपिक और रहता है, वो बस क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स का टॉपिक है. वो भी हम धीरे धीरे करेंगे, और फिर जितनी क्लासेस अभी बची रहेंगे ना उसमें हम सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे. एक और चीज़ है, अगली क्लास में ना सब लोग क्या करना, दो मॉड्यूल ढूंढ के लाना, दो मॉड्यूल, और हर दोनों मॉड्यूल में एक एक फंक्शन, मतलब दो फंक्शन. जैसे एक मॉड्यूल था, जैसे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि रैंडम मॉड्यूल, उसके अंदर मैंने दो फंक्शन ढूंढे थे, जैसे रैंड इंट और रैंडम या रैंड चॉइस, ये तीन फंक्शन मैं देख के लाई. फिर उसके बाद डेट एंड टाइम में मैंने कितने सारे फंक्शन ढूंढ के लाई थी. ठीक है, तो आप लोग क्या करना, अभी अगली क्लास में हम लोग क्या करेंगे, सब लोग अपने अपने फंक्शन ढूंढ के लाएंगे और सब लोग एक एक करके स्क्रीन प्रेजेंट करेंगे और हम उन फंक्शन के बारे में देखेंगे. ठीक है, और वो प्रोग्राम में अप्लाई करना है कोई उस फंक्शन को, और वो करके देखेंगे, और उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे अपन. ठीक है, ओके मैम. यस मैम. हेलो स्माइल, हाँ बोलो अभिषेक. कुछ और करना है क्या या खत्म? नहीं ओके नो ओके. किसी को कोई डाउट है सर, डाउट था तो पूछ लिए मैम, बता दिए. अच्छा, ठीक है ठीक है,
चलो थैंक यू एवरीवन, आज का क्लास यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सर।